हाँ तो सभी को जय मसीह। कैसे, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों अच्छे होंगे। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों मैंने कुछ ऐसा वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी हैरान रह जाओगे। ये कुछ 1 या 2 महीना से बहुत वायरल हो रहा है और सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्यों, ये क्या है। तो मैं भी आपके बीच में लाया हूँ आज का वो वीडियो। जैसा हम जब उत्पत्ति 2 अध्याय 10, 11, 12, 13, 14 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु कुछ आदन की वाटिका से कुछ नदी को निकाला, चार नदी को निकाला था। एक महानदी आदन से निकली, वहाँ से बाहर जाकर चार धाराओं में बढ़ गई, तो चार नदी का नाम है वहाँ पे। तो उसमें से 14 अध्याय में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, और चौथे नदी का नाम फरात है। चौथे नदी का नाम फरात है। तो सही सुना, चौथे नदी का नाम फरात है। और चौथे नदी सूख चुका है भाई साहब, बिल्कुल सूख चुका है। बाइबल की अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार फरात नदी सूख चुका है। और आप अभी देखोगे स्क्रीन पे, आपको मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। तो ये जो क्लिप है दोस्तों, ये सबसे पहला का जब नदी भरा हुआ था, ये पहला का क्लिप है जो नदी भरा हुआ था, कितने लेवल तक पानी था। पर अभी का जो देखो, अभी जो देख रहे हो, पूरा का पूरा पानी का लेवल कितना नीचे हो गया। ये बीच में बोल सकते हो, ये मिडिल हो सकता है। ये मिडिल मतलब पहला भरा था, फिर एक लेवल कमा, अब आगे में देखो, अब क्या है। देखो माय गुडनेस, देखो कितना घट गया पानी। और आगे देखते जाओ, देखो वो टावर पानी का बीच में था बिल्कुल, अभी किनारे पे आ गया। अभी और देखते जाओ, आप देखो पूरा, आप देख सकते हो कितना घट चुका है पानी, कितना घट चुका है पूरा। आप क्लियरली देख सकते हो कितना घट चुका है। तो ये चेतावनी है प्रभु की ओर से, सुधार जाओ, सुधार जाओ, सारे लोग सुधार जाओ। जी देखा आपने कैसे फरात नदी सूख चुका है। ये फरात नदी है जो सूख चुका है बिल्कुल। और ये क्यों सूखा, ये सूखने का कारण भी क्यों है, क्या है, उसको भी मैं आपके सामने मिलाता हूँ। हाँ, हम अब देखेंगे प्रकाशित वाक्य 9 का 12, 13, 14, 15। हाँ, वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, पहला विपत्ति बीत चुकी, देखो अब उसके बाद दो विपत्ति और आने वाला वाली है। जब 6वें स्वर तुमने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंहों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वह चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। तो क्या बोला यहाँ पे, पहली विपत्ति बीत चुकी है, देखो और भी दूसरा दो विपत्ति आने वाला है। तो भाई साहब कित विपत्ति तो बीत चुके पहली, अभी और भी विपत्ति आने वाला है। और आप देख रहे हो सीधा स्क्रीन पर फुरात नदी सूख चुका है। तो ये बहुत खतरनाक है। अरे जब सूख चुका, जब यहाँ पे लोग गए ये देखने के लिए क्यों सूखा, क्या इसका वजह है, तो लोगों ने अजीब अजीब चीज़ वहाँ पे नज़र किया, अजीब अजीब चीज़, अजीब अजीब आवाज़ आने लगा नदी के नीचे से। अब सुनो,
तो सुना आपने कैसा खतरनाक साउंड आ रहा नदी का नीचे से? भाई साहब, नदी का नीचे से जंजीर से आवाज आ रहा, आपने सुना होगा, जंजीर बांधा हुआ हाथों में, खींच रहा होगा पैरों पे, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। एक क्या है, भविष्य बनी है, बाइबल के अनुसार भविष्य बनी है भाई साहब। हाँ, हम लोग देखेंगे अभी प्रकाशित वाक्य 16:11 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 11 में लिखा है था, और अपने पीड़ा और फोड़ के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। भाड़ा में छठवें सरदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजा के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मार्ग तैयार हो जाए। फिर 13 में, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढक के रूप में निकालते देखा। वह 14 वह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकालकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए, दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठे करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। भाई साहब, क्या बच्चा ने, वाओ, पूरा हो रहा है भाई साहब। आमेन आमेन आमेन। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। सब लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मजाक है। नहीं, परमेश्वर मजाक नहीं। जो वचन में बाइबल पे लिखा है वो पूरा हो रहा है। मूर्ति पूजा से मन फिराओ, पाप मत करो, गाली मत दो, गंदी नज़र भाई बहनों पर ना डालो, किसी के स्त्री के प्रति लालच मत करो, पाप मत करो भाई साहब, पाप मत करो, अपने पति अपने पत्नी को ना त्यागो, एक साथ रहो, मिलकर अपने भाई बहन से प्यार करो, लालच ना करो किसी भी चीज़ का। ये शरीर है, यहीं पे रह जाएगा, पर आपके आत्मा को बचाने की कोशिश करो, अपने आत्मा को बचाओ। ये अंत के दिनों के चीन है वैसे, ये अंत के दिनों के चीन है। कोई नहीं, अब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पूरा 1 से लेकर 21 तक है, पूरा का पूरा पढ़ना। 16 अध्याय पूरा का पूरा पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पूरा का पूरा पढ़ना, और आप समझ जाओगे कि विपत्ति क्या क्या आने वाला है, अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और आप देखोगे उसको होते हुए। क्योंकि वचन रहता है, पृथ्वी और आकाश टल जाएगी परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा। आप कोई भी जात का हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, कोई भी देश से देख रहे हो, मेरी भाषा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए मेरे दोस्त। प्रभु यीशु ही एक सच्चा खुदा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है।